हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग जाने क्लास 10th भूगोल इकाई 1 का ग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन का लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर, बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया है क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। मात्र 6764.14 हेक्टेयर क्षेत्र में वन बच गया है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों के वनों की स्थिति कुछ बेहतर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दो नंबर क्वेश्चन लिखे हैं, वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। उत्तर, वन विनाश के मुख्य कारक निम्नलिखित है। 1 नंबर, कृषिगत भूमि का फैलाव। दूसरा, तेजी से खनन कार्य। तीसरा, रेल मार्ग और सड़क निर्माण कार्य। चौथा, बड़े बड़े विकास की योजनाएं। पांचवा, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। छठवा, पशुचारण एवं ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीन नंबर क्वेश्चन लिखा है, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, वन एवं वन्य प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफर है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। हमारे इससे अटूट संबंध है। वास्तव में यह प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है। यह इस जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए सर्वाधिक योगदान देता है क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य पदार्थ का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चार नंबर क्वेश्चन क्या है कि वन्य जीवों के ह्रास के चार प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, वन्य जीवों के ह्रास के चार प्रमुख कारक निम्नलिखित है। 1 नंबर, मनुष्य ने अपने आवास, कृषि के विस्तार तथा उद्योगों की स्थापना के लिए वनों का विनाश किया है। फलस्वरूप नए वन्य जीवों के आय स्थल नष्ट हो गए हैं या विलुप्त तो होते जा रहे हैं। दूसरा, मनुष्य द्वारा कृषि के विशिष्टीकरण का भी वन्य जीव पर बुरा प्रभाव पड़ा है। तीसरा, आर्थिक लाभ, अनेक वन्य जीव एवं उसके उत्पाद का उपयोग आर्थिक लाभ के लिए हो रहा है जिससे उनका दोहन हो रहा है। चौथा, याद रखना है कि यह विलुप्तता जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जातियां भी विलुप्त होने लगती है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर लिखा है कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, वन और वन्य जीव का संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पादप प्रजातियों का प्रयोग करते हैं और इन पौधों को अपने खेतों में भी उगाते हैं। आदिवासियों को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा वन्य जीवों से भावनात्मक एवं आत्मीय लगाव होता है। वे प्रजनन काल में मादा वन पशुओं का शिकार नहीं करते हैं। वन संसाधनों का उपयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं। वन के खास क्षेत्र को सुरक्षित रख उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर लिखा है कि चिपको आंदोलन क्या है। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदर और बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदार को हरे भरे पेड़ों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधों को घेर कर उसकी रक्षा करते थे। इसे कई देशों में स्वीकारा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। उत्तर, हिमालय चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष होता है। एक औषधीय पौधा है जो हिमालय और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ी की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोग का उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। कैंसर औषधि क्या है, उसका नाम है टेक्सोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखिए। उत्तर में याद रखना है कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम निम्नलिखित है। 1 नंबर, भेड़िया। 2, गेंडा। 3 नंबर, श्वेत सारस। 4, 12 सिंगा। 5, धूसर बगला। 6, कछुआ। 7,
लाल पांडा, आठवां सारंग, नौवां गिर सिंह, दसवां नीलगाय। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नौ। नौ नंबर क्वेश्चन लिखा है कि वन्य जीवों के आवास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट करें। तो इसके लिए याद रखना है कि पराबैंगनी किरण, आमला वर्षा और हरित गृह प्रभाव प्रमुख प्रदूषक है जिन्होंने वन्य जीवों को काफी प्रभावित किया है। इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन्य जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इससे इनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है, फलस्वरूप धीरे धीरे वन्य जीवन संकटग्रस्त होते जा रहे हैं, होते जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दस नंबर क्वेश्चन है कि भारत के दो प्रमुख जैव मंडल क्षेत्रों का नाम, क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम बताएं। उत्तर, भारत के दो प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम निम्नलिखित है। एक नंबर में याद रखना है नीलगिरी जैव मंडल, नीलगिरी जैव मंडल कुल क्षेत्रफल 5,520 वर्ग किलोमीटर है और ये राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। दो नंबर में याद रखना है नंदा देवी जैव मंडल, इसका कुल क्षेत्रफल 2,236.74 वर्ग किलोमीटर है और इसका ये जो है उत्तराखंड राज्य में है। तो ये था आज का लघुतरीय 10 लघुतरीय प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। धन्यवाद।